नमस्कार, स्नेहा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ रोज़ कुल्फ़ी। इसमें मैंने रोज़ सिरप का इस्तेमाल किया है, जिसमें कि थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ भी हैं। इसके लिए मैंने ब्रेड ली है, उसको दूध में भिगो दिया है। करीब 1.5 कप दूध है और 2 स्लाइस ब्रेड हैं। मैंने बीच में रबड़ी ब्रेड रबड़ी बनाई थी, उसके जो कॉर्नर्स निकल गए थे उसका मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। ये अच्छे से ब्रेड इसमें सोक हो गई है। करीब 2 घंटे पहले मैंने इसको रखा था और देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच मलाई, जो घर की मलाई है वो इसमें हम डालेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे रोज़ सिरप करीब 1 टेबल स्पून। इसमें हम शक्कर का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि रोज़ सिरप डाल रहे हैं तो वो ऑलरेडी मीठा है। इसको हम पहले चम्मच से थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अब हम हैंड ब्लेंडर की सहायता से इसको फेंट लेंगे। अच्छे से फेंटने के बाद हम इसे आइसक्रीम मोल्ड में डाल देंगे, कुल्फी मोल्ड में। अब हम इसमें ऊपर से डाल देंगे चिरौंजी और इसको बंद कर देंगे। अब हम इसको डीप फ्रीजर में डाल देंगे। चार से 5 घंटे रखने के बाद ये जम जम गई है कुल्फी। अब हम इसको सर्व करेंगे। इसको हम पानी के ग्लास में डिप करेंगे ताकि ये आसानी से निकल जाए। देखिए अच्छे से जम गई है। देखिए एकदम अलग हो गई, खूब अच्छे से, और खूब बढ़िया कलर आया है पिंक इसका एकदम। तो हम इसको गार्निश करेंगे रोज सिरप के साथ। ऊपर से हम डालेंगे फ्रूटी। देखिए कितनी सुंदर लगने लगी। हो रहा है ना मन कि फटाफट खा ली जाए, तो फिर देर किस बात की। आप भी बनाइए और बताइए कैसी बनी, और खाइए भी। धन्यवाद।